हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस यूज एंड फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है सिंपल इंटरप्टेड सूच रिंग। यहाँ पर हमें देखिए बेसिकली चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है मेरे पास निडल एंड सूचर, ये है मेरे पास निडल और ये मेरे पास रहा इसका सूचर। दूसरी चीज़ जो होती है मेरे पास वो होती है निडल होल्डर। देखिए ये है निडल होल्डर, इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, इसकी हेल्प से निडल को हम पकड़ते हैं। ओके, तो इस वजह से इसका नाम है निडल होल्डर। तो निडल को इस टाइप से यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें आता है एक टूथ फोर्सेप, ये है मेरे पास टूथित फोर्सेप। क्यों होता है ये टूथित फोर्सेप, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें टूथ टाइप के बने हुए हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं टूथित फोर्सेप। उसके बाद आता है देखिए सर्जिकल ब्लेड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एक सीजर के बारे में, जो सिंपल सीजर होती है इसका यहाँ पर यूज करते हैं टाँके को काटने में। ओके, अब देखिए बात करेंगे हम निडिल होल्डर की, ये है मेरे पास निडिल होल्डर। अब देखिए यहाँ पर दो लूप बने हैं, इसमें क्या करते हैं, एक लूप में तो हम अपना अंगूठा इंसर्ट करते हैं, दूसरे लूप में ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये दो बची जो फिंगर हैं ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब देखिए निडिल होल्डर, जैसे कि नाम में ही लिखा है निडिल होल्डर, अब ये निडिल को होल्ड करता है। अब ये होता है देखिए निडिल होल्डर का जॉ, अब इस जॉ से जो है इस निडिल को हम पकड़ते हैं, निडिल की बिल्कुल टिप पर जो है बिल्कुल हम इसकी जॉ को, इस जॉ से इस निडिल को हम यहाँ पर पकड़ते हैं। ओके, अब निडिल के बारे में जानते हैं। देखिए निडिल के तीन पार्ट होते हैं यहाँ पर, ये होती है निडिल की टिप। ओके, ये टिप है और ये कर्वेचर के रूप में जो होती है ये होती है निडिल की बॉडी, और ये होता है मेरे पास जहां से धागा बंधा होता है ये होता है स्वेच इंड। अब देखिए स्वेच इंड से वन थर्ड, स्वेच इंड से वन थर्ड की डिस्टेंस पे जो है मुझको निडल होल्डर से इसको पकड़ना रहता है यहां पर। ओके, अब ये जो आगे जो बची डिस्टेंस है टिप तक की वो कितनी बची मेरे पास, टू थर्ड डिस्टेंस ये बची होती है। दूसरा देखिए जहां से ये कर्व है, कर्वेचर जहाँ से देखिए इसमें निडिल में कर्वेचर आ रहा है, उससे देखिए धागे की तरफ थोड़ी सी धागे की तरफ जो है इसको पकड़ लिया जाता है यहाँ पर। और देखिए निडल और निडल होल्डर में जो प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे से ये बनाते हैं, ये होता है तरीका इसको पकड़ने का। यहाँ पर हम सीखेंगे सर्जन नोड, तो जैसे कि ये मेरे पास है निडिल होल्डर और ये होती है निडिल, तो हम बता चुके हैं देखिए निडिल होल्डर से निडिल को यहाँ पर पकड़ना रहता है, ये इस जॉ से देखिए जॉ की बिल्कुल टिप से जो है इसको यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, और एंगल इन दोनों में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए ये होता है मेरे पास लॉक, इसका देखिए इसको जो है जो स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करने रहता है, मतलब कि यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर लॉक लगा देते हैं, पहला लॉक, दूसरा लॉक, तीसरा लॉक, यहाँ पर देखिए तीन लॉक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये जो मेरे पास निडल है अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर ये पकड़ लिया जाता है। ओके, अब देखिए अगर हमें जब इसको खोलना रहता है तो हम कैसे खोलते हैं इसको, देखिए ये एक दूसरे के कैसे करना पड़ता है, हमको एंटी कर देना पड़ता है इस टाइप से, देखिए इसका लॉक खुल जाता है और इस टाइप से ये लॉक लग जाता है। अगर खोलना रहता है तो फिर से सीखिएगा, ये देखिए इसको क्या करते हैं हम, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, देखिए ये जो है फोर्स लगाकर इसको ओपन कर लिया जाता है, फिर से ये लॉक लगा दिया जाता है। ओके, तो ये ओपन कर लिया जाता है। अब देखिए निडिल होल्डर से हम निडिल को इस टाइप से पकड़ लेते हैं, ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको लॉक करके रख रखा है। अब देखिए दूसरा क्या है मेरे पास, टूथित फोर्सेप। टूथित फोर्सेप का काम होता है जैसे जो इंसीजन है, जैसे कि ये मेरे पास इंसीजन है या कट लगा हुआ है, अब ये मेरे पास पहला फ्लैप ये हुआ, दूसरा फ्लैप इसका ये हुआ, अब देखिए ये फ्लैप को उठाने का काम करता है, इस टाइप से इसको पकड़ के इस टाइप से उठा लेते हैं। अब देखिए टूथ फोर्सेप की हेल्प से इस फ्लैप को इस टाइप से उठा लिया जाता है। ओके, अब देखिए ये हम यहाँ से निडल यहाँ पर पेनिट्रेट करेंगे, इस टाइप से देखिए मैंने ये निडल को यहाँ से पेनिट्रेट किया, और देखिए अब दूसरे फ्लैप को इस टाइप से यहाँ से उठा लिया जाता है। ओके, अब दूसरे फ्लैप में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, अब इस टाइप से यहाँ पर देखिए इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो इंड नजर आ रहे हैं मुझको थ्रीट के, एक जो है ये फ्री इंड जो है मेरे पास ये शॉर्ट इंड होता है, ये लॉन्ग इंड होता है। ओके, अब देखिए शॉर्ट इंड की जो लेंथ होती है, सूचर की जो लेंथ होती है लगभग यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर लेंथ
छोड़ देनी चाहिए। ओके, अब क्या, अब देखिए यहां पर मुझको नॉट लगाना रहेगा। नॉट में देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसके देखिए दो लूप लेंगे क्लॉकवाइज, एक दो, दो लूप क्लॉकवाइज लिए और इसको देखिए ऐसे पकड़कर ऐसे यहां पर गांठ या नॉट लगा देते हैं। देखिए ये, इसको देखिए पूरी तरीके से आप इसको खींचिए, ये पहली नॉट लगी। ओके, दूसरा देखिए, दूसरी नॉट क्या करना है मुझको, दूसरी नॉट में अभी मैंने क्लॉकवाइज लूप लिया था, अब यहां पर मैं लूंगा एंटी क्लॉकवाइज लूप। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज लूप में क्या करना है मुझे, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया और ये जो है देखिए इसका शॉर्ट एंड इस टाइप से पकड़कर फिर से इस टाइप से कर देते हैं। ओके, अब ये मेरे पास कंप्लीट एक नॉट लगी, मतलब कि एक कंप्लीट गांठ यहां पर लग गई है। अब मैं इसको देखिए सीजर से कट कर लेता हूं। अब देखिए ये मेरे पास नॉट है, नॉट से देखिए थोड़ा ऊपर से हमको ये कट करना रहता है। ओके, नीचे से कट नहीं करेंगे, अगर नीचे से कट कर दिया तो जो नॉट है ये कमजोर पड़ जाती है, तो थोड़ा ऊपर से इसको हम कट करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक यहां पर नॉट लग गई। अब देखिए इसकी हम सेकेंड नोट की बात करते हैं, सेकेंड नोट यहाँ पर लगाते हैं फिर से। देखिए ये फिर से यहाँ पर इस टाइप से पकड़ के मैंने इंसर्ट किया और देखिए ये जो है टूथ फोरसेप की मदद से इस फ्लैप को ऐसे उठा लिया जाता है। ओके, दूसरा फ्लैप हम इस टाइप से ऐसे उठा लेते हैं। अब देखिए ये इस टाइप से देखिए सर्कुलरली मुझको इस टाइप से रोटेट करना रहता है। अब फिर से देखिए इस टूथ फोरसेप से मैंने जैसे इसको उठाया, अब नीडल होल्डर की हेल्प से देखिए इसको हम खींच लेते हैं इस टाइप से। ओके, फिर से हम दूसरी नॉट यहां पर लगाएंगे। ओके, ये हुआ इस टाइप से। तो क्लॉकवाइज हम इस टाइप से दो लपेटे इसके क्लॉकवाइज लेते हैं। अब इसका जो शॉर्ट एंड होता है उसको इस जो से पकड़कर इस टाइप से खींच लेते हैं। ओके, तो ये मेरे पास नॉट लगी। अब ये मैंने नॉट लगा, फिर से क्या करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पकड़ेंगे यहां से। ठीक, पहले क्लॉकवाइज लिया था, अब एंटी क्लॉकवाइज लपेटा इसका ले लेंगे। इसको पकड़कर देखिए फिर से दूसरी साइड कर देते हैं। अब ये मेरे पास लग जाती है पक्की गांठ, मतलब के पक्की इसकी नॉट। ओके, अब इसको देखिए यहां से फिर से कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसमें इंटरप्टेड सूचरिंग कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जो रूल है सूचरिंग का, जो रूल होता है मेरे पास ये, अगर देखिए ये इंसीजन है, जो इंसीजन की में जो थिकनेस है इसकी देखिए, अगर ये थिकनेस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरे पास अगर वो x है, सपोज डेट इसको मानते हैं हम x, तो मतलब कट जो है x गहरा है, x सेंटीमीटर गहरा है। तो देखिए जो मेरे पास यहाँ पर जो मैं इसका जो सूचरिंग करूँगा तो यहाँ से जो है इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी x होगी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी x होगी। ओके, और दो जो है नोट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दुगनी होगी इससे, यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस से दुगनी होगी, मतलब कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो दो जो मेरे पास ये यहाँ पर नोट लगी है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2x होगी, मतलब कि इससे दुगनी होगी। या मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए, तब ये कहलाता है बेस्ट मेथड ऑफ सूचरिंग। ओके, तो ये था मेरे पास ऑल अबाउट इंटरप्टेड सूचरिंग। अब देखिए हमें जो है इन सूचरिंग को क्या करना है, ये जो नॉड लगी है इनको कट करना है। तो कैसे कट करते हैं इसको देखते हैं। देखिए अब जैसे ये मेरे पास नॉड होती है, अब इस नॉड के नीचे से इसको हम इस टाइप से कट कर देते हैं। ओके, और दूसरा देखिए नॉड लगी है, नॉड के नीचे से थोड़ा यहां से मैं कट कर देता हूं। फिर तीसरा देखिए इस टाइप से मैं इसको यहां पर कट कर देता हूं। ओके, तो ये मेरे पास है कटिंग ऑफ सूचरिंग। ओके, ओके, थैंक यू।